आर्टिकल 370 हटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। पीएम पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस मंच के बगल में बनाए गए प्रदर्शनी की तस्वीरें हैं जो वहां पर पंचायती राज विकास को दर्शाती है। समस्त अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद सभी पंचायत जन प्रतिनिधि वर्चुअल के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई जो दुनिया में इतने प्रतिनिधि 2.5 लाख पंचायत और 31 लाख से भी ज्यादा जन प्रतिनिधि हैं, ये विश्व के जनतंत्र में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन का नहीं है। मैं आज के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर मैं दो ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 32 लाख की यहां आबादी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमें हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं, गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और चुनाव के कारण आज यहाँ इतने जनप्रतिनिधि यहाँ हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। महोदय, मैं एक ही चीज कहूंगा, आने वाले दिन में आपके आने के पहले देश के अंदर में पंचायती राज में एक सिस्टम के नाम पर जब आपने ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लाने का काम किया, उसके तहत प्लानिंग जीपीडीपी अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सभी को एक सिस्टम में लाया गया। महोदय, आज एक पाई का जो खर्चा होता वो खर्चे एमआईएस पर ई गवर्नेंस जो आपका बुक है उसमें करते। आज देश का पहला पंचायत होगा जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। देश का पहला पंचायत होगा जिसके समूचे रिकॉर्ड ई रिकॉर्ड होंगे। मैं आपसे इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत बनाया गया है। वाइब्रेंट पंचायत शहरों का तो मास्टर प्लान बनता था, जब आप आए थे उसके पहले 100 रुपया प्रति व्यक्ति के वित्त आयोग की अनुशंसा पर होता था, आज लगभग 700 रुपया प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं। महोदय, केवल ये नहीं, आप उसमें एक अपना जो दिशा निर्देशन है, जब हम कहते हैं कि आने वाले दिन में वाइब्रेंट पंचायत होगा तो केवल टाउन प्लानर ही नहीं होगा बल्कि हम वहां पर ग्रीन एनर्जी भी कर रहे हैं, जिसका साक्षात आज आपने उद्घाटन किया। हरित खेती, प्राकृतिक खेती का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। केवल वही नहीं बल्कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं, सिंचाई युक्त पंचायत हो अगले हमने कार्यक्रम में रखा है। स्वास्थ्य पंचायत हो, आने वाले दिन में स्वच्छ पंचायत हो, अगर हमने एक वाइब्रेंट पंचायत के रूप में लिया है। ये भी लिया है
आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, केवल 250 किलोमीटर भारत नेट का कनेक्शन हुआ था, आज 6 लाख किलोमीटर है। महोदय, आज ई लाइब्रेरी युवाओं के लिए, ई किसान लाइब्रेरी मार्केटिंग वैल्यू एडिशन के लिए, ई महिलाओं को 1 लाख रुपए की आमदनी हो इसलिए ई मार्केटिंग भी हो, और आपसे टेलीमेडिसिन ही नहीं बल्कि हम उनको एक ऐसा अवसर दे रहे हैं। दुनिया में, देश में जब भी कोई डिजास्टर आता तो वो डिजास्टर गांव में आता, उसके लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हम देने का काम कर रहे हैं। महोदय, मेरा लक्ष्य है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त गांव हो, स्वस्थ गांव हो, पानी पर्याप्त गांव हो, स्वच्छ हरा भरा गांव हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गुड गवर्नेंस की स्थिति पैदा हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपके दिशा निर्देशन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत एक वाइब्रेंट पंचायत बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उस दिशा में तेजी से पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय ग्रामीण। तो अभी आप सुन रहे थे गिरिराज सिंह को, जो बता रहे थे कि किस तरह से ग्रामीण विकास के जरिए जो पंचायत, साथ ही साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो लेवल पर होते हैं तमाम ऑफिसेज, वहां पर किस तरह से लोगों को मजबूत किया जा रहा है और गांव और रूरल एरियाज में किस तरह से विकास के काम को और ज्यादा जोर देने के लिए ग्रास रूट लेवल पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, और अब देखिए 850 मेगावाट रेती हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। इस तरह से 2 फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे जो जम्मू कश्मीर में होंगे, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाएगी, तो उसका भी यहां पर आधारशिला रखी जा रही है। 20,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं या तो शिलान्यास होंगे, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है करीब 3100 करोड़ का जो तैयार हुआ है काजीगुंड से बनिहाल तक जो टनल तैयार हुआ है, उसका भी आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। मेगावाट कवार हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना केंद्र सरकार ने ठाना है, ताकि माता श्री वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं व पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाया जाए। इसी खातिर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 44 है, इसके 3 खंड बाईपास दयालाचक, हीरानगर, सांबा से जुड़ेंगे। इसी प्रकार जख कुजवानी 6 लेन इसी एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट वे की अनुमानित लागत है 4,914.01 करोड़ रुपए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं कि वे ई माध्यम से इसकी आधारशिला रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में कश्मीर से सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए चौहार टनल और शैतानी नाला पार करना पड़ता है, जो सर्दियों के दौरान हिमपात और फिसलन की स्थिति में बाधित हो जाता है। अब केंद्रीय सरकार की दूरदर्शिता से इसका विकल्प भी निकलकर सामने आया है। प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से अब बनिहाल और काजीगुंड के बीच जो ये टनल तैयार हो गया है उसका जिक्र किया जा रहा है। और जब रामबन से आगे आप पहुंचते हैं तो इसी के जरिए घाटी में आप प्रवेश करते हैं। जब आप जम्मू रीजन से यानी पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरते हुए आप पहुंचते हैं कश्मीर घाटी में, फिर काजीगुंड से आगे आप अनंतनाग की ओर जाते हैं। लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है
वो भले ही करीब 16 किलोमीटर का हो, लेकिन टनल के बन जाने से जो असर पड़ेगा ओवरऑल जो जर्नी होती है जम्मू से श्रीनगर तक, उसमें करीब डेढ़ से दो घंटे का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको पहाड़ को चढ़ते हुए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से 16 किलोमीटर भी आपके लिए कई घंटों में तब्दील हो जाता है। और कोशिश यही है कि अलग अलग इलाकों में इस वक्त जम्मू कश्मीर में इसी तरह से टनल बनाए जा रहे हैं, तो काजीगुंड बनिहाल जो टनल है सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी एक कड़ी रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जोजिला पास के पास भी टनल बनाने का काम चल रहा है, अगर वो भी जब बनकर तैयार हो जाएगा, बड़ी तेजी से काम चल रहा है उसका अभी, तो ऐसे में सोनमर्ग से होते हुए सीधा आप करगिल की ओर जा सकते हैं। और ये जो रूट तैयार होगा ये 12 महीने यानी कि ऑल वेदर 365 दिन रूट खुला रहेगा और श्रीनगर से ले करगिल जुड़ा रहेगा, जिसकी जरूरत सालों से लोगों को थी। अब काजीगुंड का आप देख रहे हैं किस तरह से काजीगुंड में ये टनल तैयार किया गया है और इसके टनल के जरिए कितना फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा, क्योंकि सर्दियों के दौरान जब यहाँ बर्फबारी होती है तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं बर्फ से पट जाती हैं, ऐसे में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अब इसके बन जाने से ना सिर्फ आपके जो सामरिक यानी कि डिफेंस सेक्टर के तमाम जो हमारे फोर्सेज उनको फायदा होगा, आम लोगों को भी फायदा होगा, साथ ही साथ टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा ये जो टनल्स और ये ऑल वेदर जो रोड तैयार हो रहे हैं इससे साफ होता है। और साथ ही आपने देखा कि अमृतसर से कटरा तक जो 6 लेन हाईवे तैयार हो रहा है एक्सप्रेस वे, उसके भी बनने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।